जय माँ काली। स्वागत है दोस्तों आज के ब्लॉग में आपका। और दोस्तों ये माँ काली जी का मंदिर है, आप सामने माँ काली जी की मूर्ति देख रहे होंगे और यहाँ सभी देवी देवताओं के भी मूर्ति हैं। और मैं पूजा पाठ अपना कर चुका हूँ, लास्ट में वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि अनुमति तो नहीं होता इसलिए मैं बिल्कुल पास नहीं जा रहा हूँ मूर्ति के, तो दूर से ही बना रहा हूँ। ये प्राचीन काल का मंदिर है दोस्तों माँ काली का, और सभी देवी देवता के यहाँ शिव मंदिर जी भी है यहाँ पे, शिव जी का भी। तो शिव जी का तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, हर हर महादेव। ये अपना शिव जी का भोलेनाथ का मंदिर, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ के। दोस्तों ये मंदिर है काली माता मंदिर, यहाँ शिव जी भी विराजमान है पूरे शिव परिवार के साथ। और दोस्तों अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से ये थोड़ा दूर पड़ता है मंदिर, इसलिए शायद अब रोज़ ना आ पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं मंदिर में रोज़ जाऊँ, क्योंकि मैं जहाँ पहले था वहाँ कॉलोनी में ही था मंदिर, तो वहाँ मैं रोज़ ही जाता था। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। थोड़ा सा जल ले जाते हैं दोस्तों घर पे छिड़कने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए दोस्तों शिव जी का दोस्तों, अब मैंने दर्शन कर लिए हैं, अब जा रहा हूँ घर। ये देखे सभी लोग आ रहे हैं और ये मंदिर बिल्कुल मेन रोड पे है दोस्तों, आइए घर चलते हैं। और दोस्तों दो दिन पहले मैंने दिखाया था, इतनी बारिश हो रही थी और मशीनों से यहाँ जाम पड़ा था, लेकिन अब ये खाली है बिल्कुल। और उधर फौजी साहब हैं डस्ट वाले। बुला रहे हैं मुझे। भूरा कहाँ है? आ ना जाए कहीं बीच में। और जो हमारे फौजी साहब आ गए। राम राम जी। नहीं सर बैठूंगा नहीं अभी। क्यों? लोटा वोटा हाथ में रख रखा हूँ, पूजा पाठ करके ही आ रहा हूँ। ये तो जरूरी करो करो। ठीक है ना? तो ये फौजी साहब हैं अपने बिल्डिंग मटेरियल वाले, जो यहीं पर हैं बगल में ही काली माता मंदिर के। देखिए ये दूर है दोस्तों घर से, थोड़ा सा दूर पड़ता है। और धूल कितनी है देखो, क्योंकि देहात टाइप का ही है ये। पार कर लूँ रोड, पार कर लूँ, अगर बसें भी है काफ़ी आ जा रही है तो रोड जाम हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही स्टॉप बना हुआ, कोई यहाँ स्टॉप नहीं, बस जहाँ बस रुक जाए वही स्टॉप है समझ लो। ये अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ। दोस्तों इसी जगह पर दो दिन पहले बहुत जाम पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा था और बारिश का भी मौसम था, तो वो दिखाऊंगा आपको थोड़ा। ये समझ लो कि मैं दिल्ली में तो हूँ नहीं, दिल्ली से काफ़ी दूर पे हूँ, लेकिन एरिया दिल्ली में ही आता है। थोड़ा देहात टाइप में ही है, और दिया टाइप में है ही है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये वही जगह जो मैंने अभी आपको दिखाया है, दो दिन पहले ऐसे इस पर कितना पानी भरा था, ये तो फिर भी निकल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी था यहाँ पर। तो अभी ये गांव के नाम से जाना जाता है, और ये दिखाता हूँ। ये देखो जी अपने नंदी भगवान है, गौ माता है,
ये है दोस्तों अरंडी, जिसको बोलते हैं रेड़ी। देखो इसके फल, देखो ये इसके फल हैं। घास देखो दोस्तों कितने बड़े बड़े हो जाते हैं पेड़ ये देखो, लेकिन ये घास ही है, ये कोई और चीज़ नहीं, ये घास है, इतना लंबा लंबा है ये देखो, काफ़ी लंबे लंबे हैं ये घास ही है, आप पहचान सको तो, काफ़ी लंबा है ये, कम से कम 5 फुट का होगा भाई। ये गौ माता भी आ गई, अब खा ले। इधर बछड़ा है, एक यहाँ है, हाँ बोल। और एक अंदर बंधा हुआ छोटा, वो देखिए ये है अंदर एक, मार मत यार। एक वहाँ है देखो गौ माता, दोस्तों यहाँ पर भी बिल्कुल देहात टाइप में, देसी टाइप में ही है। बोल भाई बोल। वो देखो दोस्तों पंपिंग सेट चल रहा है वहाँ पर, पानी सिंचाई का, अगर आपको दिख रहा हो तो, ये देखिए और ये सारा अभी सिंचाई का चल रहा है, क्योंकि इसमें पानी की ज़रूरत पड़ता है ज़्यादा, ये देखिए। मौसम भी बारिश वाला ही हो रहा है, लेकिन इसके भरोसे तो नहीं बैठ सकते, तो ये सिंचाई का काम चल रहा है इधर, और पानी आते ही बगुला आ जाता है दोस्तों यहाँ पे, देखो अभी थोड़ा ही पानी आया है। ये बड़ी बहन छोटी बहन का कंघी कर रही है, शक्ल देखिए ये बेटी, ये बेटा छोटी वाली, इधर दिखा भाई। ओहो, ये होता बचपने वाला प्यार दोस्तों, देख रहे हैं, और दोनों लड़ते भी हैं। हाँ खूब लड़ते हैं। नहीं अभी नहीं।